चलिए देखिए कहाँ तक बताया था, कहाँ तक बताया था, एटॉमिक रेडियस बताई थी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की, देखिए एटॉमिक रेडियस आपको बताई थी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस पहले हमने सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल की मैं एटॉमिक रेडियस बताई। तो देखिए ये हमने क्यूब लिया, ये हमें लास्ट टाइम बता दिया था, एक बार देख ली, तो ए बी ये हो गया आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो अब ये क्या हुआ, लैटिस कांस्टेंट ए, तो लैटिस कांस्टेंट ए की वैल्यू 2R के बराबर थी, तो R बराबर A बाई टू, आर की वैल्यू A बाई टू के बराबर, एटॉमिक लैटिस कांस्टेंट की आधी, ये रेडियस हो गई। अब आइए फेस सेंटर्ड लैटिस में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इन फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसमें एटॉमिक रेडियस निकालिए, एटॉमिक रेडियस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ये देखिए फेस सेंटर्ड का क्यूब बनाइए, एक सिंपल बीच में रख दीजिए, ठीक, अब यहां से मिलाइए आर आर आर, आर आर आर, ये फोर आर, ये आप इस ट्रायंगल में लगा दीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया फोर आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बराबर 16R स्क्वायर, टू
टू ए स्क्वायर बराबर 16, टू ए 16 आर स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 8, r बराबर a अपॉन 2√2, a अपॉन 2√2, a अपॉन 2√2, ये आ गई। अब आइए, ये एटॉमिक रेडियस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एटॉमिक रेडियस क्या है, आर लैटिस कांस्टेंट की आधी, ये याद कर लीजिए भाई। आपको ऑब्जेक्टिव में तो यही आएगा ना, फिगर तो ही ना बनाना है, बस ये तो आपके के लैटिस कांस्टेंट, आर की वैल्यू लैटिस कांस्टेंट की आधी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में आर की वैल्यू लैटिस कांस्टेंट के ए अपॉन रूट, छोटा सा तो इसलिए बता दिया। अब देखिए, एटॉमिक रेडियस, रेडियस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, एटॉमिक रेडियस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, एटॉमिक रेडियस। अब देखिए, क्यूबिक ले रहे हैं क्योंकि एनालिसिस क्यूबिक में ही आसान है, ए बी सी तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो एनालिसिस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इसलिए आप क्यूबिक क्रिस्टल पर ही एनालिसिस करोगे भाई। आपके पास 7 टाइप के क्रिस्टल हैं, पर जो फिर एनालिसिस की जाती है वो क्यूबिक पे की जाएगी। आर 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 ऐसे लगाना है, बनाओ फिगर। ये साइड बना ली एसी, क्योंकि इससे फिर हमारा इससे कैलकुलेशन हो जाए। किधर चमक रहा बताओ, दवा चमक रहा, कौन सी लाइट जमी तो बोर्ड, वो खिड़की बंद करो, बंद कर दो। हाँ बंद कर दो, खोली भी उससे हो सकता है। आ रहे आ रहे, Thank you.
चलो उठाते देखो ये वाला हम फिगर बना दे रहे हैं डार। ये देखो ठीक है, ये आपकी ये वाला इधर दिख रहा है कि नहीं, इधर देखो इधर वाला दिख रहा है, तो ये देखो 2R, ये R और ये R बिल्कुल लगे हुए हैं, और ये किसके बराबर, लैटिस कांस्टेंट A के बराबर, तो A की वैल्यू 2R के बराबर, तो A बराबर 2R, तो R बराबर A बाई, ये याद करना है। अब ये एटॉमिक रेडियस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, तो ये देखिए एटॉमिक रेडियस ऐसे निकलेगी, आपने क्या किया ये क्यूब बना लिया, अब यहां पे बीच में एक क्रिस्टल लिया, ये देखो इधर डार्क बना दे रहे, एक ये क्रिस्टल बीच में इधर लिया, ठीक है, तो ये बिल्कुल चिपके हुए चल रहे एक दूसरे से, है ना, तो ये R इसके सेंटर से ये R और ये R और ये R, A B C, ये है A ये है A, ये है A ये है A, ठीक है, ये गुलशन ये दरवाजे कुंडी लगा दो हल्की सी हो जाएगी चमकेगा। अब देखो ए सी स्क्वायर, अच्छा इधर देखो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर आर 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 फोर आर, फोर आर का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आ गया 16 आर स्क्वायर बराबर 2 ए 2 आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, टू से काट दिया ए स्क्वायर भाई, आर बराबर ए अपॉन टू रूट टू। अब एटॉमिक रेडियस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लैट क्रिस्टल लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस इधर बनाते हैं, एटॉमिक रेडियस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो आपको याद करना है कि एफ सी सी लैटिस में वहाँ पे इतना समय नहीं होता, अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, एफ सी सी लैटिस में ए अपॉन टू रूट टू याद कर लीजिए, ठीक है, और सिंपल लैटिस में ए बाई टू याद कर लीजिए। अब बॉडी सेंटर्ड में एटॉमिक रेडियस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी क्रिस्टल लैटिस, बीसीसी क्रिस्टल लैटिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, अब यहां पर आप बनाइए क्यूब, अगर क्यूबिक के अलावा लोगे तो साइड जिसमें बराबर नहीं है और ट्रायंगल तिरछे तो क्यूब बन नहीं पाएगा, तो ये एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पाती, तो ये जो हम एनालिसिस करते हैं सॉलिड से क्लास शुरू हुआ आपकी एमार्फस और क्रिस्टलाइन,
एमार्फस छोड़ दिया क्रिस्टलाइन पर पूरी एनालिसिस, कि जिसका रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट हो तो ये क्यूब बनाइए, अब क्यूब के बीचों बीच में एक एटम ऐसे बना दिया, ठीक है, एक ही एटम ये बना दिया, एक ही एटम ये बना दिया, ठीक है। अब यहां से चले, ठीक है, ये वाले में पूरी चारों लाइनें आ रही हैं, चारों रेडियस आ गई, ये आर, टू आर और ये आर। ये देखिए नाम दे दे रहे हैं, इसीलिए ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये यहां तक वी आर, इसके सेंटर से ये आर और ये आर, तो यहां पर ए डी की वैल्यू आर 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 फोर आर, ए डी की वैल्यू फोर आर, ए बी की वैल्यू है ए, बी सी की वैल्यू है ए, ए, ठीक है। ये हुआ ए सी, अब देखिए अब आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा ए सी ए डी और ये वाले, तो पहले ए सी निकाल लीजिए, इन ट्रेंगल ए सी बी में या ए बी सी में ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर, ये क्या हुआ टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई टू ए स्क्वायर, ये ए सी आ गया। अब आप आइए इसमें, ये पूरी लाइन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, 4R का स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर डी सी स्क्वायर ए स्क्वायर 16R स्क्वायर 3A स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बाई 16, तो R बराबर रूट 3A बाई 4, आर बराबर रूट थ्री ए बाई फोर, रूट थ्री ए बाई फोर, ये आर की वैल्यू, ये एटॉमिक रेडियस याद कर लीजिए। अब यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, अभी तो हम लेटेस्ट पॉइंट बता देते थे, अब नंबर ऑफ एटम्स की बात करें यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, सेल
तो फार्मूला ये बनाइए, एन बराबर जो इंटीरियर में होगा, जो बीच में इंटरनल पॉइंट पर होगा, वो किसी से शेयर नहीं करेगा, वो तो पूरा पूरा आएगा। जैसे जैसे ये रूम है, रूम के सेंटर पर एक एटम आ गया, तो उसकी शेयरिंग किसी से नहीं होती, तो वो पूरा पूरा मिल जाता है, तो वो हो गया एल आई। जो कॉर्नर पर आता है वो आठ पार्ट में बटता है एन सी बाई ए, और जो फेस के सेंटर पे आता है वो छह पार्ट में बटता है, तो एन एफ बाई एट, एन एफ बाई टू, ठीक है, वो टू पार्ट में बटता है, ठीक है। तो ये है एन आई एटम एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, एन सी एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, एन एफ एटम एट द सेंटर ऑफ सिक्स फेजेस, एटम एट द सेंटर ऑफ सिक्स फेजेस, एटम एट द सेंटर ऑफ सिक्स फेजेस, मतलब एन एड दो पार्ट में बटता है, तो ये फेज सिक्स होते हैं, पर एन एफ सिक्स बाई टू आ जाएगा। फेज कितने, एटम जो कॉर्नर पे आया तो एन सी बाई एट, वो आठ एटम आए, तो ये आपका कॉर्नर फेस पे आया, तो वो फेस पे आएगा तो सिक्स में नहीं डिवाइड होगा, एन एफ बाई टू, फेस के आधे पे डिवाइड, आधे पे जाएगा, एन एफ बाई टू। छः फेजेस होते हैं तो वो उसी आधार पे छः एटम हो जाएंगे, नहीं तो वो तो वन आ जाएगा। नहीं, ठीक है, अब आइए जब कैलकुलेशन करिए तो उसी जो लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन था वही आ जाए। तो अब देखिए, एटम इन एस सी लैटिस, एटम इन इन द यूनिट सेल ऑफ एस सी लैटिस, सिंपल क्यूबिक, तो देखिए सिंपल क्यूबिक में एन आई की वैल्यू जीरो, एन सी की वैल्यू आपकी एट है, एन एफ की वैल्यू जीरो, साइड मतलब फेस के सेंटर पर, एटम एट द सेंटर ऑफ सिक्स फेजेस, छो फेजेस के सेंटर पर, ठीक है। तो यहां पर एटम जो फेस के सेंटर पे नहीं है, एटम इंटरनल पॉइंट पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है और कॉर्नर पे नहीं है, आप यहां पे लगाइए एन आई। हेलो, हाँ बताओ, कौन बोल रहे?
हाँ नहीं अभी नहीं शुरू कराए। ठीक क्यों कॉलेज आके क्लास पढ़ो फिर बताते हैं। अच्छा अच्छा क्यों किस चीज़ का एग्ज़ाम? अच्छा अच्छा बेंगलोर से तैयारी कर रहे हैं। ठीक 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 चलिए पता कर लेना बाद में, मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू करा देंगे पेट का। तो एक आया एक आया इसमें एटम इन द निट सेल ऑफ बीसीसी लैटिस। कितने एटम होने चाहिए बीसीसी में? बीसीसी बॉडी सेंटर्ड में दो होने चाहिए, तो एन आई की वैल्यू एक, ठीक है, और एन सी की वैल्यू एट, एन एफ की वैल्यू जीरो। हर कॉर्नर पर एक एक है और बॉडी के या यूनिट सेल के सेंटर पर है। एटम इन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी लैटिस। ऑफ एफसीसी लैटिस एन आई बराबर, यहां पे कॉर्नर पे नहीं इंटीरियर पे नहीं है, एन आई बराबर जीरो। एफ सी सी में सेंटर पे नहीं होता, बॉडी के सेंटर पर यूनिट सेल के सेंटर पे नहीं होगा। एटम कॉर्नर पर आपके आठों कॉर्नर पर और छो फेस के सेंटर पर, छो फेस के सेंटर। तो n बराबर एन आई एन सी बाई एट एन एफ बाई टू। इंटीरियर में ये आपके, तो आपको लर्न रखने हैं कि एस सी लैटिस के यूनिट सेल में सेंटर पर कितने एटम हैं? एक, ठीक है। लैटिस पॉइंट भी एक होता है टोटल ओवरऑल वे में, और एटम भी एक होता है। एटम इन यूनिट सेल ऑफ बी सी सी लैटिस कितने होते हैं? दो, दो एटम होते हैं। और आपके एटम इन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी
यहां पे क्या होते हैं, चार एटम, फोर एटम होते हैं, ठीक है। अब जरा इसी से, अब टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन दो बार पढ़ोगे, पैकिंग फ्रैक्शन दो बार आएगा। दो बार आप पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। एक पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, एक एटॉमिक फिजिक्स में, दोनों ही आते हैं। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये है मतलब एक यूनिट सेल का वॉल्यूम और जो एटम्स हैं उनका वॉल्यूम, ठीक है। तो सब एटम्स का लेना है तो नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई, ये है पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन एफसीस, पहले सेंटर क्यूबिक का पढ़ें, पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस या एससी लैटिस, एससी लैटिस, इन एससी लैटिस अब देखिए ये एससी लैटिस की यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम, हर कॉर्नर पर एक एक एटम है। तो नंबर ऑफ एटम एन बराबर कितने हैं, वन। नंबर ऑफ एटम, रिजल्ट याद कर लेने हैं ना, पर ये कि एक बार आप करेंगे नहीं तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो फिर आगे बहुत दिक्कत आएगी। नंबर ऑफ एटम एन की वैल्यू एक है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ए क्यूब है, यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब है, वॉल्यूम यूनिट सेल, कहीं कंफ्यूजन है क्या, बताओ क्या बताओ दिक्कत, तुम उनको क्यों कंफ्यूज कर रही, हमें बताओ, बताओ ना,
अरे अभी नहीं, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लो, डिस्टर्ब क्यों हो रही है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू, हेलो सब आपको बताया,
तो नंबर ऑफ एटम्स n बराबर वन, नंबर ऑफ एटम्स n बराबर वन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू, रेडियस ऑफ एटम एटम r बराबर a बाई टू, रेडियस है a बाई टू, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम 4 by 3 pi a by 2 का क्यूब। v बराबर 4 by 3 pi a cube by 8, v बराबर a क्यूब पाई a क्यूब by 6, ठीक है, ये पाई a क्यूब by 6। अब पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स तो n, नंबर ऑफ एटम्स n इंटू वॉल्यूम एटम का अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ए क्यूब वॉल्यूम पहले लिख दें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम किससे दिखाएं, कैपिटल V से, इसको स्मॉल, इसको V1 कर दें, V1 कर दें, तो n V1 अपॉन V। पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, SC लैटिस का, तो n की वैल्यू आपकी 1 pi a cube by 6 upon a cube। पैकिंग फ्रैक्शन पाई बाई सिक्स, ये आया पाई बाई सिक्स, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है, भूल गए तो आप कर भी लें, ये इस टाइप की स्थिति। अब देखिए दूसरा, बस छोड़ रहा, कितना टाइम हो गया, अच्छा हाँ लेट हो रहा है, देखो क्लास देखे लेट हो गया ना, चलो हो गई 43 मिनट क्लास।